महू शहर के भैरूलाल पाटीदार महाविद्यालय में उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा देवी अहिल्या विद्या विहार द्वारा एडमिशन साइट बंद कर देने से काफी छात्रों के एडमिशन नहीं हो पाए और छात्रों को फीस के संबंध में मैसेज आ रहे हैं, लेकिन फीस जमा नहीं हो रही। इन समस्याओं को लेकर आज महाविद्यालय के प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया गया। महू से मनीष स्वामी की रिपोर्ट। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण पर अभी जारी है। महोदय, अब भी छात्रों को आ रही समस्याओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है। मान्य और वर्तमान समय में रुक जाना नहीं योजना एवं पूरक परीक्षा से विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे छात्रों का ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया बंद होने के कारण हजारों छात्रों का पंजीयन नहीं हो पाया, जिससे कई ना कई छात्रों को प्रवेश में से वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे छात्र अपने आगे के भविष्य व पढ़ाई को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, अतः तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ कर प्रवेश तिथि आगे बढ़ाई जाए। प्रवेश के अधिकांश शासकीय महाविद्यालयों में सीमित संख्या संचालित हैं, ऐसे में विद्यार्थियों को अपनी रुचि अनुसार कोर्स से वंचित रह जाते हैं। महोदय, ऐसे महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार संकाय शुरू किए जाए। महोदय, यह भी संज्ञान में आया है कि जिन विद्यार्थियों के ओपन बुक्स परीक्षा आयोजित हुई है, ऐसे विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर उन छात्रों को मेरिट सूची में अंत में रखा गया है, जबकि कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों को जो क्लियर हैं उन्हें मेरिट सूची में प्रथम स्थान दिया गया। अतः मेरिट सूची की विसंगतियों में सुधार कर अधिक अंक प्राप्त विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाए। अतः अब्बा भी प्रदेश सरकार से यह आग्रह करती है कि उक्त सभी प्रकार की छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में तत्काल प्रभाव से समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा अब्बा भी प्रदेश सरकार के विरुद्ध उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की रहेगी। भावदी नीलेश सोलंकी, प्रदेश मंत्री अब्बावे मध्य भारत प्रांत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।